एक समय की बात है, एक जाट था, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। जेठ का महीना था, वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। जाट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला ग्यारस है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी सात पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तू अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। वो जाट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा। लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। ये देख जाट उदास हो गया और उदास मन से ही वो ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए। लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जवाई जी एक दिन तो रुक जाओ। लेकिन वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब जाट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वो अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रख कर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रख कर क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वो कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी ये सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, ये गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवा कर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वो इस गधे को दे दे तो ये मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हैं, अगर वो अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी,
मैं आज हूँ कल नहीं, मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वो वापस इंसान बन गया। लेकिन 1 ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी।